उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद पार्टी को मजबूत करने की कवायद काफी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने राजस्थान से एक और दांव चल दिया है। दरअसल राजस्थान की चार राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान है। ये चारों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन अब कांग्रेस की चाल से बीजेपी को इन सीटों पर मुंह की खानी पड़ सकती है। क्या है कांग्रेस की ये चाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा जाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। खबरों की माने तो G23 के मुखिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के नाम पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व में सहमति बन गई है। कांग्रेस चिंतन शिविर में सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत से चर्चा कर गुलाम नबी आजाद के नाम को हरी झंडी दे दी है। गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट को भी गुलाम नबी आजाद के नाम पर कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजने की चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। अब प्रियंका गांधी को कर्नाटक से राज्यसभा भेजा जाएगा। दरअसल राजस्थान की चार राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान है। राजस्थान से ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राम कुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डोंगरपुर का कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा हो जाएगा। ये चारों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन अब नए समीकरणों के बल पर कांग्रेस राजस्थान के जरिए मजबूती के साथ जीत की कवायद में जुट गई है। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस 4 में से 3 राज्यसभा सीट जीतकर बीजेपी को झटका दे सकती है। कांग्रेस को 3 सीटें जीतने के लिए निर्दलीय विधायकों की जरूरत पड़ेगी। प्रदेश के करीब 13 निर्दलीय विधायकों का गहलोत सरकार को समर्थन मिल चुका है। राजस्थान विधानसभा का मौजूदा गणित कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान से राज्यसभा में पार्टी को मजबूती मिल सकती है। प्रदेश में कांग्रेस के पास 108 विधायक हैं, बीजेपी के पास 71, निर्दलीय 13 हैं, आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, माकपा 2 और आरएलडी के पास 1 विधायक है। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस 4 में से 3 राज्यसभा की सीट आसानी से जीत जाएगी। राजस्थान से राज्यसभा में जहां गुलाम नबी आजाद को भेजने पर सहमति बन चुकी है, तो वहीं राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह का नाम आगे है, तो राहुल गांधी के करीबी अलवर राज परिवार के सदस्य और महासचिव भंवर सिंह को राज्यसभा भेजने की लॉबिंग तेज है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही बीजेपी को मात देने की तैयारी पूरी कर ली है, जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। देवी लाइव की रिपोर्ट।